हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नए जनरेशन को नॉन ग्राफिक कन्वर्ट करना काफ़ी आसान होता है और वो किस तरीके से संभव है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक मदरबोर्ड है, नए जनरेशन का है। इसका पार्ट नंबर है, देखिए DA0P1BM B6D0 वर्जन है आपका डी। इसको नॉन ग्राफिक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो इसको नॉन ग्राफिक कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप इसका पार्ट नंबर डालिए और इससे रिलेटेड गूगल पे इमेजेस सर्च करिए जो नॉन ग्राफिक से रिलेटेड हो, यानी सेम मदरबोर्ड सर्च करिए, ऐसा जिस इमेज सर्च करिए जिसमें ग्राफिक्स कार्ड ना लगा हो। तो देखिए, हमने गूगल पे इसका पार्ट नंबर डाला और जब ही सर्च पर क्लिक किया तो आपके सामने दिख रहा है ये इमेजेस खुल के आ रही है। ठीक है, एक ये इमेज खुल के आ रही है, तो इसका स्टोर जब ओपन कर रहे हैं तो देखिए ये बड़े साइज में इमेज खुल के आ गया और ये नॉन ग्राफिक्स में है। ग्राफिक कार्ड यहाँ से ऑलरेडी रिमूव्ड है, तो देखिए हमने भी ये ग्राफिक कार्ड इसका रिमूव कर लिया है, ये ग्राफिक कार्ड रिमूव कर लिया इसका। यहाँ पे पूरे रेगुलेटर वाले पोर्शन रिमूव है, तो चारों मॉस्फेट हमने हटा लिया, चार मॉस्फेट लगे हुए थे चारों मॉस्फेट हटा लिया, दो कॉयल लगे हुए थे दोनों कॉयल हटा लिया। अभी भी यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए क्रिस्टल वगैरह लगे हुए हैं हमारे बोर्ड पे और इसमें नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, तो और कैपेसिटर सिलेंड्रिकल नहीं लगे हैं, तो इस इमेज के अकॉर्डिंग से ये चीज़ें हटा लेंगे हम भी। हालांकि क्रिस्टल अगर नहीं भी हटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कैपेसिटर्स चाहे तो हटा सकते हैं चाहे तो नहीं। ठीक है, अभी हम कैपेसिटर्स और ये ट्रांजिस्टर हटा लेते हैं, सब क्रिस्टल और ट्रांजिस्टर। इमेज को फॉलो करते जाएंगे, जो जो चीज़ें निकली हुई हैं उनको निकाल देंगे। ये भी निकाल दिया हमने इस वाले पोर्शन। इसके बाद देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका ये वाले पोर्शन पे वी रैम निकली हुई है, तो वी रैम को भी निकाल लेते हैं। देखिए पुराने वर्जन के जो फर्स्ट सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन उनको नॉन ग्राफिक कन्वर्ट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा शिफ्टिंग करना होता था, ग्राफिक मोड से मतलब डेडिकेटेड ग्राफिक से इंटीग्रेटेड ग्राफिक पे शिफ्ट करना पड़ता था, तो जो लाइन आप डिस्कनेक्ट करते थे उस लाइन को आपको दोबारा क्या करना पड़ता था, शिफ्ट करके कनेक्ट भी करना पड़ता था। लेकिन नए बोर्ड में क्या कर दिया है, ऑप्शनल कर दिया गया, दोनों साथ साथ पैरेलली काम कर रहे होते हैं। अगर ये ख़राब भी हो गया तो उसको रिमूव कर दीजिए, दूसरा पैरेलली जो लगा हुआ है वो काम करना शुरू कर देगा। अभी नए बोर्डों में ऑलमोस्ट ऐसा ही है, तो हम सारी चिपके हटा देते हैं इसके। और ये कॉन्सेप्ट 90% अभी सक्सेस है कि मतलब आप इमेज देख लो, नॉन ग्राफिक वाला निकाल लो और उसके हिसाब से आप क्या है ग्राफिक चिप हटा दो, ग्राफिक चिप को जाने वाली यानी कि जो ग्राफिक प्रोसेसर है या जो GPU है उसको जो जो रेगुलेटर से पावर जा रही है, एक 1.1 वोल्ट PCI VGA की पावर जाती है और दो कॉयल्स या सिंगल कॉयल के द्वारा VGA GFX लिखा होता है, तो दो कॉयल तो हमने यही हटा दिया। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, इसको भी हटा ही देते हैं, ये PCI करके होगा मे बी, 1.1 वोल्ट बन रहा हो। सो ठीक है, इमेज को थोड़ा सा और बड़ा करके देख सकते हैं, ये बैक साइड का हो गया, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, लेकिन यहाँ का ये पोर्शन क्या है नहीं लगा, तो ये निकाल देंगे हम, ये रेगुलेटर भी निकाल ही दे रहे हैं। अगर इसका हमारे पास स्क्रैप बोर्ड होता तो उससे भी मैच कर लेते हैं, या नॉन ग्राफिक्स में अगर कोई ओके बोर्ड होता तो उससे भी मैच करके क्या कर लेते हैं। ना हमारे पास स्क्रैप बोर्ड है ये और ना ही कोई ओके बोर्ड था, इसलिए हमने इमेज का सहारा लिया, गूगल से इमेज निकाला और उसका सपोर्ट ले रहे हैं। इस साइड की चीज़ें डिस्कनेक्ट कर दी हमने ऑलमोस्ट सारी, यहाँ से पूरा कनेक्ट डिस्कनेक्ट था, ये चीज़ें डिस्कनेक्ट कर दी। अब दूसरे साइड का देख लेते हैं, दूसरे साइड की इमेज ये, अब दूसरे साइड की इमेज भी मैच करके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें नहीं लगी होनी चाहिए। तो
एक तो बीच वाली है, आईसी है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस आईसी को हटा देते हैं। देख पा रहे होंगे ये वाला है एक, और यहाँ पे कन्वर्जन, तो इन चीजों को भी हटा रहे हैं। एक रेगुलेटर ये पूरा का पूरा है, इसे भी हटा दे रहे हैं। और ये हो गया कन्वर्जन, कॉइल होती है, और एक और ये कन्वर्जन जनरली क्या होती है, 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट का कन्वर्जन भी ग्राफिक हो जाती है, या कई बार आपका 3.3 वोल्ट 1.8 वोल्ट और रैम की पावर ग्राफिक को दी जाती है, तो बीच में कन्वर्जन मॉसफेट या कन्वर्जन आईसी लगाई गई। ग्राफिक को दी जाने वाली पावर कौन सी है, ग्राफिक की VGA GFX बोलते हैं, ग्राफिक का कोर रेगुलेटर हो गया। दूसरा 1.1 वोल्ट का PCI VGA के नाम पे एक रेगुलेटर लगा हुआ मिलेगा। तीसरा आपकी रैम पावर का कन्वर्जन मिलेगा, ठीक है, रैम की पावर को भी कन्वर्ट करके दिया गया होता है ग्राफिक्स को। चौथा 1.8 वोल्ट को भी कन्वर्ट करके दिया गया होता है, और 3.3 वोल्ट को भी कन्वर्ट करके, ये पांच सप्लाइयां एटलीस्ट दी गई होती है, ठीक है। इनको आप देखिए, इनकी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट करिए, जनरली इनकी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट करने पर ही नॉन ग्राफिक कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर ग्राफिक कार्ड शॉर्ट हो, क्या हो, अगर ग्राफिक कार्ड शॉर्ट हो गया होगा तो वो अन्य पावर सप्लाई को भी क्या करता है, डाउनग्रेड करने लगता है। इसलिए क्या करना पड़ता है, पूरी ग्राफिक चिप भी निकालना पड़ता है। इसी वजह से हमने इसकी ग्राफिक चिप निकाली, क्योंकि कनेक्टिविटी करने के बाद ग्राफिक चिप बहुत ओवर हीट हो रहा था। शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है, ओवर हीट हो रहा, और शॉर्ट करेगा तो बाकी सप्लाइयों को भी क्या करेगा, वो नीचे ज़्यादा ड्रॉप कराएगा। तो ये हमारा नॉन ग्राफिक कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको चालू करके हम देख लेते हैं, रैम है, रैम दे दीजिए, और इसकी बैक साइड की हिस्से, इसकी बैक साइड की हिस्से हेडसिंग लगा लेते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसर काफ़ी टेम्परेचर सेंसिटिव है। और थर्मल पेस्ट भी लाइएगा, बीच हमने कमाल सर को भी दिया है एक नॉन ग्राफिक कन्वर्ट करने के लिए, और कमाल सर को भी हमने यही आइडिया दिया कि आप चेक कर लो सेम बोर्ड, अगर स्क्रैप बोर्ड में अवेलेबल हो तो सेम बोर्ड आप देख लो, या फिर आप क्या करिए इमेज निकाल लीजिए। तो उनको स्क्रैप बोर्ड आई थिंक मिल गया था, मैं उनसे भी बात करके हूँ, आपको भी मिलाता हूँ। जहाँ से ग्राफिक चिप निकाला है ना, वहाँ ये टेप चिपका दे ताकि सिंक नीचे चिपके रहे, है ना।
अपना है ना दो लगा लिए, बाकी लगा देंगे लोग, ठीक है। स्क्रीन है इसका जी, ले आइए। ऑन कर लेते हैं पहले दीपा, इसका ऑन ऑफ स्विच भी है हमारे पास। लोड तो सही ले रहा है, देखते हैं स्क्रीन पे लगा रहा है। प्रॉपर बना लेना, ठीक है जी सर, नहीं तो तुरंत फिर उड़ जाएगा। इसी के वजह से तो तेरी ग्राफिक चिप गई है, हिंज टेक टूटा हुआ था पहले से। हाँ हिंज नहीं टूटा था, वो यहाँ स्क्रू को मतलब फिट करते हैं, प्रॉब्लम ठीक है। तो डन हो गया भाई, ठीक है, डिस्प्ले आ गया, ओके। हमने अपना काम तो परफॉर्म कर दिया और हमारा डिस्प्ले आ गया, ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला काम कर गया, ठीक है, ये नॉन ग्राफिक कन्वर्ट हो गया। दूसरे फॉर्मूले पे काम करने के लिए हमने बोला था कमाल सर को, कमाल सर से मिलते हैं। सर मेरा तो हो गया, कमाल सर मेरा भी हो गया। हाँ सर मेकअप कर रहे हैं, चलिए कमाल सर के पास चलते हैं। आपका भी ओके ही है? अब तो मैंने बनाया इसको, ये स्क्रैप बोर्ड मिल गया था मुझे, स्क्रैप बोर्ड की वजह से बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं मिला। ये है E801P और ये 802P, लेकिन बहुत सिमिलर ही है ये। हाँ ये पहले से नॉन ग्राफिक कंपनी है, पहले से नॉन ग्राफिक्स है। हाँ और इसको इसी को देख के अंदाजा तो लग ही जाता है कि क्या करना है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं लगता कई बार नए बोर्ड में, उसके लिए थोड़ा तो हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। आपने भी क्या क्या देखे, ग्राफिक पावर हटाया है, हटाया ये वी रैम हटाई, ये इसके रेगुलेटर हटाया, आई सी कन्वर्जन का कुछ था इसमें, एक कन्वर्जन हटाया है, कन्वर्जन कहाँ आई सी इसमें, कन्वर्जन के आई सी यहाँ पे कन्वर्जन प्रोसेसर के जस्ट बाजू में, ये कन्वर्जन की आईसी, ये इसकी रेगुलेटर की आईसी, यहाँ से मॉस्फेट, ये कैपेसिटर वगैरह, और यहाँ से रैम और इसका मेन चिप हटा दिया आपने। बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इसको भी ना हटाए तो कोई दिक्कत नहीं होता वैसे, लेकिन शॉर्ट ग्राफिक चिप, ग्राफिक चिप अगर शॉर्ट हो रही होती तब हटाने की जरूरत है। अभी आप भी दिखाई दीजिए, हमें विश्वास नहीं मानते लोग, प्रूफ मांगते हैं। डिस्प्ले पे कहाँ है, ठीक है, आजकल हमारे व्यूवर्स प्रूफ मांगने लगे हैं, मांगे न्यूज देख देख के ऐसे हो गए हैं कि हर बात का सबूत चाहिए, ठीक है, इतने हमारे सर सेम है ना ये, मतलब
जनता को अब प्रूफ चाहिए होता है हर एक काम करने के बाद, पहले प्रूफ नहीं मांगते थे, पता नहीं क्या हो गया है जनता को। आपका तो बड़ा क्विक डिस्प्ले आया है, ये इसमें लेट डिस्प्ले का भी प्रॉब्लम था, इसमें लेट डिस्प्ले का भी प्रॉब्लम था, उसको भी रिजॉल्व किया गया है। कस्टमर का पहले से कंप्लेंट था कि इसमें डिस्प्ले एक मिनट के बाद आ रहा है, ओके, ये लेट डिस्प्ले भी लगे हैं तो उसको भी सही कर दिया गया है। सो गाइज, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो नए जनरेशन के बोर्ड हैं उनको नॉन ग्राफिक करना काफी आसान है। या तो आप नॉन ग्राफिक का कोई बोर्ड आपके पास पहले से पड़ा है आपके स्टॉक में स्क्रैप बोर्ड के, उसको आप सर्च कर लीजिए, उसकी मदद से आप नॉन ग्राफिक कन्वर्ट कर लीजिए। अगर नहीं भी है तो इसी का पार्ट नंबर डाल के गूगल से HD इमेज निकालिए, वहां से आपको इसको क्या करना है उसको फॉलो कर लीजिए। लेकिन हाँ, इसका जो है सप्लाई काटते समय आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या काटते हैं। एक तो ग्राफिक की मेन पावर कार्ड डिस्कनेक्ट की जाती है रेगुलेटर की। अब रेगुलेटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि एक रेगुलेटर में एक एटलीस्ट IC होगी, एक अपर MOSFET, एक लोअर MOSFET होगा, ठीक है, एक क्वायल होगी, आउटपुट पे लगे सिलिंड्रिकल या टेंटेलम कैपेसिटर्स होते हैं। तो ये पूरा एक रेगुलेटर सेक्शन का जो रेगुलेटर जो बनाता है पूरा पोर्शन, उस पूरे पोर्शन को आपको डिसेबल करना है, ठीक है। तो नए बोर्डों में एक तो VGX जो GFX होगा दो क्वायल के साथ होगा जनरली, या सिंगल क्वायल के साथ होगा। साथ के साथ एक और नया रेगुलेटर आपको इंट्रोड्यूस किया गया था 1.1 वोल्ट PCI VGA करके, तो आपको ये भी देखना है कि कोई 1.1 वोल्ट के भी है कि नहीं है, तो उसको डिस्कनेक्ट करना है। दूसरा याद रखना है आपको कि ग्राफिक्स के जो IC है उसको 3.3 वोल्ट रन, RAM की पावर 1.8 वोल्ट पावर ये दी जाती है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू दी जा रही है, कोई ना कोई बीच में अगर कन्वर्जन IC होगी 14 पिन की तो उसको हटाना पड़ेगा, या कन्वर्जन MOSFET होंगे तो उनको हटाना पड़ेगा। इतना हटाने के बाद ऑलमोस्ट फोर्थ जनरेशन के बाद वाले, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ या इन जनरेशन में इजिली ये नॉन ग्राफिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी किसी में केवल क्या होता है, बोर्ड ID का कन्फिग्रेशन चेंज करना पड़ता है, कमांडर IC को यह बताना पड़ता है, यानी या मदरबोर्ड को यह बताना पड़ता है कि जो हमारा एक वर्जन, जैसे इसमें दो वर्जन इसी में आप देखिए कि इसमें एक वर्जन अलग था, वर्जन अलग हो गया नॉन ग्राफिक्स में, तो इसमें कभी अगर यह नहीं होता तो हमें बोर्ड आईडी की सेटिंग करनी पड़ती और हमें बताना पड़ता कमांडर IC को कि भाई आपको ग्राफिक्स के, जैसे होता क्या है जो आपकी IO IC होती है ग्राफिक्स को इनेबल भी करती है, हर रेगुलेटर को इनेबल करने का काम किसका है, कमांडर IC IO का, और जब इनेबल होता है तो उसके पावर गुड का वेट भी करती है, तभी नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या कर सकती है, कमांड आके देती है, ठीक है। तो अब हम जब नॉन ग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं तो IO को कई बार बताना पड़ जाता है कि अब ग्राफिक कार्ड इज नो मोर, ठीक है, ग्राफिक कार्ड का इंतजार मत करिए और न ही उसको कमांड भेजिए, ग्राफिक काम से पहले अगर जितने काम है उनको कम्प्लीट हो गया ग्राफिक कार्ड को स्किप करिए और आगे का काम क्या करिए चालू करिए, ठीक है। ये सेटिंग कहलाती है एक तरह से बोर्ड IO। हालांकि नए जनरेशन में ज्यादा सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बोर्ड आईडी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, केवल आप नॉन ग्राफिक के लिए जो जो रेगुलेटर्स है पावर उनको डिस्कनेक्ट करिए, अगर ग्राफिक चिप शॉर्ट है तब उसको हटाइए, नहीं शॉर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सो वंस अगेन, दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा भाई, अभी अभी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे सर्च किया है और पता चला कि 70 जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से 75% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को व्यू करते हैं, आपको लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड हेल्प मिलता है और आप लगातार कंटिन्यूअस फॉलो कर रहे हैं तो एटलीस्ट चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है। तो अभी फटाफट चैनल को जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नाइस डे, जय हिंद।